Assalamualaikum class. Good morning. How are you all? I hope that you all are fine. This is Adnan Ahmed, your class teacher as well as your grammar teacher. Today we are going to learn our topic proverbs, which we started in our last class. I told you about the proverbs. What are proverbs? Proverbs kya hote hain? Kahavatein kya hoti hain? Kab kahi gayi? Kaise kahi gayi? Kisne kahi? Or उनको क्यों किन मकासद के लिए क्या है बोला जाता है, क्या पर्पस होता है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन होती है. आई टॉट यू यस्टरडे द फाइव प्रोवर्ब एंड एक्सप्लेन्ड यू द कंडीशन ऑफ दिस प्रोवर्ब के कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किन मकसद पे, मतलब किन सिचुएशंस पे क्या है इनको बोला जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फॉरवर्ड आर नेक्स्ट फाइव प्रोवर्ब. ठीक है, आज जो है हम मज़ीद आगे वाले पांच प्रोवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं. तो इसके अंदर क्लास जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब वो देख लेते हैं. ठीक है, नंबर सिक्स पे जो हमारे पास लिखा हुआ है वो प्रोवर्ब देखते हैं. नंबर सिक्स के ऊपर हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है. नंबर सिक्स के ऊपर हमारे पास लिखा है इंसान गाते गाते गवैया बनता है. ठीक है, इंसान गाते गाते गवैया बनता है. इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. देखिए ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है मैन कीप लर्निंग, ये इसकी ट्रांसलेशन है कि मैन कीप लर्निंग. अब इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो शख्स वर्किंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और क्या है उनको काम नहीं आ रहा होता, या फॉर सपोज कोई शख्स काम कर रहा है और दूसरा शख्स, कोई नया शख्स काम कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर काम, और दूसरा शख्स उस पर तंकीद कर रहा है कि तुम्हें अब तक भी नहीं आया ये काम, तो वहाँ ये कंडीशन पे इस्तेमाल होता है कि इंसान गाते गाते गवैया बनता. मतलब इंसान सीखते सीखते सीखता है, रैपिडली नहीं सीख जाता. तो सामने वाले को भी समझाने कि मैं अभी लगाऊँ, मैं थोड़े टाइम में सीख जाऊँगा, और वो खुद को भी ये अपनी क्या है तसल्ली दे सकता है कि मैं अभी लगाऊँ, मैं गाते गाते गवैया बन जाऊँगा. मतलब क्या है, मैं सीखते सीखते करते करते ये काम सीख जाऊँगा. तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है खुद को समझाने के लिए भी, दूसरों को भी समझाने के लिए. अगर कोई तंकीद कर रहा है कि अब तक नहीं आया, तो उसको भी बोलते हैं कि भाई इंसान गाते गाते गवैया बनता है, मैन कीप लर्निंग. ठीक है, और अपने आप को भी, अपने आप को जब इंसान को सोच रहा है कि मेरे को अब तक नहीं आया, तो उस टाइम उस कंडीशन में भी लगता है कि इंसान गाते गाते गवैया बनता है, मैन कीप लर्निंग, में भी सीख जाऊँगा. ठीक है, नेक्स्ट देखें नंबर सेवन के, इंसान खता का पुतला है. ठीक है, इंसान खता का पुतला है. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लें, नोबडी इज़ अबव द एरर, नोबडी इज़ अबव द एरर, ये इसकी ट्रांसलेशन है. अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है कि अगर इफ़ अ मैन मेक मिस्टेक, अगर कोई इंसान से गलती हो जाती है, वो गलती कर देता है और वो अपने आप को बहुत उसको कसूरवार ठहरा रहा होता है कि नहीं मुझसे ये हो गया वगैरह, तो उसको समझाने के लिए ये बोला जाता है कि इंसान खता का पुतला है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, इंसान से मिस्टेक्स हो जाती है, तो इंसान को क्या है इतना ज़्यादा अपनी गलती के ऊपर मतलब फील नहीं करना चाहिए. अल्तो कि उसको फील करना चाहिए, अपनी गलती रेक्टिफाई करनी चाहिए. ठीक है, अपनी गलती से सीखना चाहिए, लेकिन उसको समझाने के लिए बोला था कि गलतियां हो जाती है, गलतियों से सीखे, ना कि उस गलती को पकड़ के बैठिए और अपना टाइम वेस्ट करता रहे और अपने आप को मजीद को शुरुआत ठहराता. ठीक, तो वहाँ ये इस्तेमाल होता है, नोबडी इज़ अबव द एरर. नंबर एट है आपके पास, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ये तो अक्सर आपने क्लास में देखा होगा, सुना भी होगा, हमारी क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लातों के भूत हैं जो बातों से मानते ही नहीं, और अक्सर जो है उनको फिर मैं लातों से ही बताता हूँ, क्योंकि बातों से तो वो मानने वाले होते नहीं. उसी तरीके से रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल, इसकी ट्रांसलेशन है, रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स. ठीक है, अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है कि जो शख्स सिर्फ बातों से बात नहीं समझते, उनको क्या है उनकी जैसे खाल मसाला मांग रही होती है, उनके गालों पे दो तीन जब तक पड़े ना या पीठ पे ना पड़े, उनको मार ना लगे, तो वो जब तक बात समझते ही नहीं. तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. जैसे क्लासेस के अंदर कुछ बच्चे नहीं समझते, उनकी पिटाई करनी पड़ती है, तभी वो बात समझते. इसी तरीके से आपके एरिया में, घर में, मोहल्ले में, दीगर जगहों पर कुछ लोग ऐसे बदतमीज़ होते हैं कि वो लोग बातों से उनको कितना भी समझा लो नहीं समझते, तो फिर उनको उनकी पिटाई लगानी पड़ती, फिर ही समझते. नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर नाइन हमारे पास है, देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर.
आइए इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. अ प्रॉफिट इज नॉट वैल्यूड इन हिज ऑन कंट्री. अ प्रॉफिट इज नॉट वैल्यूड इन हिज ऑन कंट्री, ये इसकी ट्रांसलेशन है. अभी कहाँ इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है घर की मुर्गी दाल बराबर. मीन्स आपको अगर घर पे कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत कॉमन होती है, वो मतलब बिल्कुल दाल बराबर होती है. जैसे फॉर सपोज घर का चिकन मिल जाए आपको, घर में चिकन भी बनी हुई हो, तो वो क्या है आपको मतलब इतनी मज़ेदार नहीं लगती. लेकिन अगर बाहर से कुछ खाना आ जाए तो वो आपको बड़ा यूनिक लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. तो घर की जो मुर्गी होती है वो दाल बराबर घर की रिस्पेक्ट मतलब इतनी नहीं होती. जैसे आप अपने भाई से डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो उनसे बात करना आपके लिए क्या है, दाल बराबर. लेकिन अगर आपका कोई कज़न्स रिलेटिव्स आ जाए आपके साथ खेलने के लिए तो आप उनको क्या बड़ी फोकियत देते हैं. क्यों, वो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है. क्यों, क्योंकि आप भाई से रोज़ाना बात कर ही सकते हैं. आज कज़न आए तो उसको टाइम दें, ठीक है, तो वहाँ इस्तेमाल होता. इसी तरीके से घर में कोई भी काम हो रहा है, अब घर का जो काम हो रहा है वो तो डेली बेसिस पर होता है, तो वो दाल बराबर. कुछ नया बाहर से काम हो या कुछ आ जाए कुछ खाने के लिए या फिर कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, उस पर फोकियत दी जाती है. इसलिए वहाँ पर बोलते हैं कि जैसे कि फॉर सपोज आपको घर वालों ने बोला कि समटाइम ऐसा भी होता है कि घर पे जो है आपके कुछ बना हुआ खाने के लिए, आप बोलते हो कि नहीं बाहर से मंगवा दें, वो खाना घर पे अच्छी डिश बनी हुई, लेकिन फिर भी क्या है आप बाहर से मंगवा लो बर्गर वगैरह या कुछ भी एक्सेट्रा. तो वहाँ पर ही मिसाल इस्तेमाल होती है घर की मुर्गी दाल बराबर की, घर पर अच्छा भी बना हुआ तो वो दाल बराबर ही होती. नेक्स्ट आ जाए नीम हकीम खतरा ए जान. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, सुने, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. नीम हकीम खतरा है जान. तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है वहाँ पर कि जहाँ क्या है कम लोगों के पास इल्म और कम इल्मी की वजह से क्या है वो अपना नुकसान कर बैठे अपनों या दूसरों का, तो वहाँ पर ही इस्तेमाल होता है नीम हकीम खतरा है जान. कि अगर किसी शख्स के पास क्या है नॉलेज क्या हो लिमिटेड हो और वो लिमिटेड नॉलेज की वजह से अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठे तो उसको कहते हैं नीम हकीम खतरा जान. फॉर सपोज अगर सपोज कर लें कोई डॉक्टर है, किसी के हेडिक हो रहा है और उसको पता नहीं है कि भाई हेडिक में कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए और वो कोई और सी मेडिसिन दे देता है, तो वो क्या है नीम हकीम खतरा जान, नॉलेज उसको कम है तो इसलिए खतरा जान बन गया. इसी तरीके से दूसरा कोई शख्स घर के अंदर के घर के अंदर कोई क्या है सिलेंडर पड़ा हुआ है सपोज कर लें गैस का, ठीक है, और वो क्या है वो उसको क्या है ढोल समझ के बजा रहा है, अब वो बजा रहा है उसको मार रहा है कीप हिटिंग, और क्या है वो हिटिंग हिटिंग में फट गया, तो वो क्या है नीम हकीम खतरा जान, उसको नॉलेज कम थी वो उसको ढोल समझ रहा था. इसी तरीके से दीगर कामों में भी अगर कम नॉलेज हो तो वो क्या है वो खतरा जान बन जाती, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. वी विल लर्न मोर Proverbs in our next class. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.